हेलो फोक्स, तो आज हमारा दूसरा दिन ऋषिकेश में। दूसरे दिन जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। एंड आई थिंक आपने गेस किया होगा ऋषिकेश में आने के बाद और लोग क्या करते हैं। एक तो राफ्टिंग करते हैं और दूसरा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी हाँ, बंजी जंपिंग। तो आज हम करने वाले हैं बंजी जंपिंग और मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि आपको पता है बंजी जंपिंग जो ऋषिकेश की है ये हाईएस्ट इन इंडिया है। हाईएस्ट इन इंडिया अराउंड 85-83 meters। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी हाइट है और जो नीचे जाने के बाद एक झटका लगता है और फिर से ऊपर आते हैं, सो दैट्स गोना बी फन। अच्छा, और वो फ्री फॉल, हाँ हाँ हाँ, जन्नत। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। हम लोग तैयार हो रहे हैं और सीधा निकलेंगे हम लोग जंपिंग हाइट्स पे। जंपिंग हाइट्स वो कंपनी है जो ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराती हैं। तो वहाँ पे और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक है फ्लाइंग फॉक्स है वहाँ पे, ठीक है, एक जाइंट स्विंग है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको वो करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए, गेट रेडी एंड सी यू देयर। जंपिन हाइट्स जाने के लिए हमको एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो ये रास्ता करीब 7 किलोमीटर का है और बहुत ही प्यारा रास्ता है गाइस। नज़ारा देखिए, सो गाइज अब हम स्कूटी से ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से एक व्यू दिखता है। गाइज नज़ारे तो बहुत सारे हैं बट ये व्यू कुछ खास है जिसमें आपको दिखाने वाला हूं। ये अगर आप देख पा रहे हैं वो येलो एक केज अगर आपको दिख रहा होगा यहां पे मिडल ऑफ द स्क्रीन, दैट्स द बंजी जंपिंग पॉइंट गाइज, और हम वहीं जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं बंजी जंपिंग के एडवेंचर पार्क में और मैं ले रहा है एंट्री टिकट। जी है गाइज, वहाँ की प्राइस लिस्ट, एंट्री करने के लिए आपको 100 rupees का टिकट लेना पड़ता है और अगर आप कॉम्बो एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है एंड वीडियोस आपको वहीं से लेनी पड़ेंगी, उसका प्राइस अलग है। हे गाइज, अब हमने ले लिया है टिकट और मेरा सबसे पहला नंबर है क्योंकि सुबह हम सबसे पहले आ गए। सबसे पहले हमको सामान रखना होता है लॉकर में, अपनी बिलोंगिंग आप लॉकर में रख सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी तो उसका अलग पैसा लगता है। ठीक है, तो ठीक है। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, ये रिसेप्शन एंड ये क्रू है, काफ़ी स्किल्ड क्रू है। ठीक है, तो मज़ा आएगा। चलिए अपना सामान रखते हैं लॉकर में और मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक है, तो मुझे मोबाइल नहीं छोड़ना पड़ेगा, वीडियो मैं यहाँ से लूँगा। ठीक है, सो लेट्स गो एंड होप फॉर अ ग्रेट जंप। सी या, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। We'll be right back.
सो आफ्टर दैट अमेजिंग जंप गाइस, आपको ट्रैक करके वापस पहाड़ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, और ऊपर आके आप इस कैफेटेरिया में आते हैं जहाँ पर आप आके रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, और नीचे से ही आपको एक बैच मिलेगा जिस पर लिखेगा आई हैव गट्स, एंड एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यही नहीं, अभी और ही मस्त एक्सपीरियंस रहा बंजी जंपिंग का, तो दैट्स मस्ट ट्राई। ठीक है, आप भी ट्राई करिए। उसके बाद हमने फ्लाइंग फॉक्स भी की, और ये जो एरिया है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है यहाँ का, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो। मस्ट ट्राई बंजी तो पक्का करो यार एक बार। बस ऊपर जब वहाँ पे जब जंप करने से पहले जो खड़े रहते हैं उसमें थोड़ा सा दुख 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 होगा उसके बाद दैट विल बी ऑल फन। You will enjoy the free fall. तो guys ज़रूर कीजिए। चलिए अब हमारा next है stop, next stop is नीलकंठ, बहुत बड़ा टेम्पल है महादेव का, तो वहाँ जाएंगे। यहाँ से करीब 15 to 18 किलोमीटर दूर है। We have a scooty with us, so let's go. सो गाइज़ यही है वो मेन रोड जो बद्रीनाथ भी जाती है, और यही हमारी मंदिर भी जाती है नीलकंठ मंदिर, और यह है वहाँ का इतिहास। और लगभग 15 किलोमीटर में हम लोग नीलकंठ टेंपल पहुंच गए। फिर हम लोग लाइन में खड़े रहे जल चढ़ाने के लिए, जिसमें हमें 1 घंटा लगा। हे एवरीवन, तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं नीलकंठ जी के। प्रसाद मिला, दर्शन सफल, नाइस एक्सपीरियंस। और आपको भी टाइम लगेगा, अगर आप वीकेंड्स में जाएंगे तो यूजुअली आपको 1 घंटा लग ही जाएगा, बट नॉर्मली जल्दी हो भी हो जाते दर्शन। तो ऐसे बीच में मार्केट आती है जहाँ पे आप अपनी चप्पल रख सकते हैं, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस है। चलिए अब हम बैक टू ऋषिकेश जाएंगे। ठीक है, तो अपनी स्कूटी तैयार है, बट उससे पहले हम थोड़ा लंच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं। ये यहाँ का गोवा बीच गाइस, सो ये प्लेस भी आप विजिट कर सकते हैं फैमिली के साथ, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी रेत है यहाँ पहले, और रेत में लोग एंजॉय करते हुए। और यार तुम लोग वीडियो देख रहे हो, बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे मजा आएगा होता है। अब यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी, ठीक है, तो सब जाओ रेड कलर का बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो गाइस जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जरूर देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने राफ्टिंग की और काफी सारी प्लेसेस एक्सप्लोर की ऋषिकेश की। सो गाइस यहाँ पे होती है हमारी जर्नी खत्म। ऋषिकेश में खूब मजा आया, जैसा कि हमने देखा हमने राफ्टिंग की, बंजी जंपिंग की, फ्लाइंग स्पैरो की, और इतने सारे मंदिर गए, नीलकंठ की यात्रा की, जल चढ़ाया, खूब मजा आया।
ठीक है, तो आप भी ज़रूर विजिट करिए ऋषिकेश, और कुछ भी अगर डाउट्स हो ऋषिकेश में बुकिंग्स का या होटल्स का तो मुझे पिंग कीजिए कि कहाँ पे लेना है, कैसा, अगर आप किस टाइप का लेना है, योगा के रिलेटेड लेना है या वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, जो भी आप एक्सप्लोर करना है वो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर दोज थिंग्स। और जिसको ऋषिकेश जाना है उसको वीडियो भेजो। ओके चलो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।